राधे राधे सभी भाई बहन को। तो भैया देखो, किसी को देख के वैसे तो किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुनिया है, किसी से हम कुछ कह भी नहीं सकते। गलत बोल रहा है तो उसे भी सहन करके, क्योंकि कोई काम करता है तो वहाँ अच्छे लोग भी मिलते हैं, वहाँ बुरे भी मिलते हैं। तो कोई गलत कमेंट कर रहा तो कोई कहता है वैसी है, कोई कहता है इतना मोटापा है, कोई कछु कहता है, कोई कछु कहता है। तो देखो, हर कोई अपने हाथ भैंस ना बन। तो अगर कहू के बस में हुए तो कभी मोटापो ना बढ़े ना वो सूखे, मतलब लिमिट को रहे, ना तो वो पतरो ही हो ना वो मोटो ही हो। तो देखो, मेरी शादी हुई 2013 में, 2013 के बाद में 2014 में एक बच्चा हुआ ऑपरेशन से, दूसरा बच्चा हुआ 2017 में ऑपरेशन से। तब से मेरी रीढ़ की हड्डी में हल्का हल्का दर्द हो तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरा दर्द नहीं हो तो। और फिर बच्चा जैसे 5-6 साल के, छोटा बच्चा 5-6 साल का हुआ तो मैं अपने मायके गई, मायके जाने के बाद में मैं रक्षाबंधन से वापस आ रही तो दूसरे आदमी की बाइक है बचावे के लिए, मतलब बाकी एकदम अचानक से पेट्रोल बच्चे आएगी तो बाकी मतलब बचाव के लिए। और हम अपने खुद के रोकत हम तीनों गिर पड़े। मेरे देवर के तो यहाँ हड्डी में बहुत चोट आई थी, मतलब टूट गई थी हड्डी ये समझो, और बच्चा की आँख बच गई थी नेक नेक, और मेरी कमर में देखो आज ये पट्टी बन रही है। आज दूसरे की बचावे के चक्कर में ही आज अपना पूरा शरीर खराब कर लो है। तो मतलब जी परेशानी, फिर 10 दिन भाई हमने माते हम दवा लेके चले आए, 10 दिन भाई तो माए ट्यूबवेल पे भैंस रहते हैं। तो वहाँ मैं गई दानों लेके गई तो वहाँ मतलब मेरे एक देवर हैं और पिताजी सब है वहाँ, मैं घर पे ही और सब वहीं है। तो फिर वहाँ के बाद में भयो ऐसा क्या, मैं दाने की बाल्टी छक्के भर के लेके गई तो जाई हाथ में मैं बाल्टी पकड़ी, और जैसे ही मैंने बाल्टी मतलब वहाँ रख एकदम बाल्टी में रख के बैठू भाई नहीं, सो इतनी तेज करंट से झटका से लगा मेरी कमर ते और नार तक कि बस मैं मरी नहीं, भगवान मेरे सब कर्म है गए, बस मैं मरी नहीं बच गई, मेरे सब कर्म है गए। और मेरे बस मुंह में तो जी निकली कि अरे ब्रजमोहन मोए पकड़ियो, अपने देवर को नाम नहीं करो कि ब्रजमोहन मोए पकड़ियो। तो फटाफट वो आए उन लोगों ने मुझे पकड़ो, फिर वहाँ से धीरे धीरे मुझे घर तक कैसे करके लेके आए। जी स्थिति आ जाते हैं मेरी कि मेरे पैर ना तो धरती पे आ, मैं जो न्यों तो न्यों ही रह जाती हूँ, न्यों तो न्यों ही रह जाती हूँ जैसे हूँ। फिर तो मेरी सारी व्यवस्थाएं फैल जाते हैं, ना मुझ पर खड़ा हो जाए, ना मुँह पे बैठ हो जाए, ना मैं मतलब टॉयलेट कोई भी मतलब हर चीज़ के लिए मतलब परेशान है जाती हूँ। वो तो मेरे घर में वैसे ही लेटरिन बाथरूम है कि मतलब कोई व्यवस्था ना, पकड़ के कोई बैठा दे तो बैठ जाते। खूब काम करते करते गाड़ी एकदम बेलोस तो ख़त्म है जाते है। अब भयो ऐसा कि फिर हम अहमदपुर में 3-4 डॉक्टर उनको इलाज करवाया, कहूँ मायके करवाया। तो जैसे गर्मी में आके तो आराम मिल जाता हो, सिकाई वगैरह बेल्ट वगैरह ये तभी तेज लग रही हैं। 3 साल है गई रक्षाबंधन के बाद में 4 साल है जाएंगी, 4 साल का 5 साल है जाएंगे, 7-4 साल तो है ही चुकी हैं, 5 साल है जाएंगी। लॉकडाउन के समय की बात है जी, तो लॉकडाउन लगो 2022-23-24 हाँ चलो 3-4 साल ही पता ना, मुझे तो याद ना रही। अब भयो ऐसा के मैंने मतलब थेरेपी वगैरह ऐसी कोई चीज़ ना था, मैं इलाज में कोई कमी छोड़ी हुई अहमदपुर के अंदर में के मतलब काउ ने बताई हुई तैसे इलाज करवाया। लोग सोचते हैं कि ऐसे कदम सही है जाए, लेकिन समय ज़्यादा गुजरते जा रहा हो, दवाई खा खा के शरीर बढ़ते जा। और मुझे थायराइड वगैरह कछु नहीं होती, लेकिन जब से जो रीढ़ की हड्डी की दवा खाई है तब से मुझे थायराइड है गई है। तो वो थायराइड की वजह से शरीर बढ़ते जा रहा है, निरो इलाज चल रहा हो। खाने में भी मैं कंट्रोल बहुत रखती हूँ, मेरे तनों कंट्रोल को रखना सो तो मैं सुबह शाम को अगर 6 बजे आगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, अगर सुबह कम खाओ हुआ तो ही मैं खाना खाऊंगी नहीं। सब्जी खूब खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सब्जी में चाहे इतने टाइम चाहे कितनी खा लूँ, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सब्जी को मुझे बहुत ज़्यादा शौक है खाने को, चाहे कचू समझो मुझे अच्छी लगती है, चाहे जैसे समझो। अब सारे मतलब जाड़े में परेशानी होती है, अब तक अब क्या है ना तो दर्द बंद है रो ना झट, अब तो मेरा पूरा यहाँ से लेके पूरा पैर सुन्न पड़ रहा है, झटका ले रहा है, और दवा खाती हूँ तब तक दर्द बंद रहे तो ठीक है, नहीं तो असर खत्म है तो फिर बेही परेशानी। अब मेरे पति ने भैया फैसला लगाया कि मैं बढ़िया इलाज कराऊँ, इलाज तो देखो पहले भी अच्छे अच्छे डॉक्टर के चले हैं, लेकिन अब नाकामयाबी मिली है तो बाको तो अब कहूँ इलाज ना है। लेकिन अब पूरी 4 दिन है गए आज, मतलब समझ लो सोमवार से इलाज
सोमवार से जांच चल रही है, कभी जा की जांच, कभी बाकी जांच, कभी खून की, कभी पेशाब की, कभी मतलब अल्ट्रासाउंड, कभी थायराइड की। आज 4 दिन रह जाएंगे, आज मतलब पता चल जाएगी क्या परेशानी। सारी जांचें है चुकी हैं, अब MRI और रहेगी, वैसे एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब है वो सब। मतलब हारमोन्स की कमी आ रही है जा चक्कर में, तो हारमोन्स की अलग इलाज चल रहा, तो बाकी के लिए अलग है जाँचें भई हैं, और कमर के लिए अलग है जाँचें भई हैं। तो अब देखो का रिजल्ट आवेगा, जो रिजल्ट आवेगा वो भगवान जाने, और सही है जाऊँ तो है जाऊँ। और डॉक्टर ने कम से कम 5-6 किलोमीटर घूमने बताया, तो भैया ससुराल है घूमने नहीं तो नया था, लेकिन छत पे 1-1.5 घंटा घूमने की। और मैं योगा खूब करती हूँ, जो ना कि मैं योगा नहीं करती हूँ, मैं ऐसी हरामिन तो है ना हूँ कि मैं योगा नहीं करूँ, मेहनत तो करती रहती हूँ। मुझे ऐसा कोई चीज़ से डरना है कि मैं मेहनत नहीं करूँ, कि योगा नहीं करूँ, ऐसी कोई मुझे परेशानी ना है। तो अब क्या करूँ, देखो चाहे मुझसे गलत बोलो चाहे सही बोलो, अपने आप अगर कोई बीमारी लगते है तो कोई आदमी वह चीज़ें बढ़न नहीं देगो, जित तो एक भगवान ही कत्तो जो कछु कत्तो है, कहो कितनी बीमारी दे देते हो, कहो कितनी बीमारी दे देते है। और मैं हूँ आज परेशान हूँ, और लेकिन मेरे घर मेरी जो ससुराल मायको बढ़िया हो, देखो मेरा खूब में बढ़िया मेहनत मैंने मायके में खूब करी है, लेकिन मायको मेरा खूब बढ़िया हो, और ससुराल में हूँ मेहनत कर रही हूँ लेकिन ससुराल में खूब बढ़िया है। ऐसा ना है कि मतलब शुरू से जब से अगर मेरे माथे में दर्द होगा तो तुरंत लेके जाएंगे दिखाई भी कहा जाए, सब लोग बहुत अच्छे हैं। पर अब मैं कब क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अपने शरीर से ही परेशान हूँ। मतलब हर चीज़ से संपन्न हूँ, एक शरीर है छोड़ के हर चीज़ से संपन्न हूँ मैं, बाबा की कृपा थे हर चीज़ है मेरे पास में। और देखो गर्मी में बेल्ट लगाए वो एक बहुत कर्री बात है, क्योंकि मेरे मतलब फलक रह जाते हैं, जहाँ मेरा एंटस मतलब ऑपरेशन हो वहाँ फलक रह जाते हैं, तो वो भी एक मजबूरी में लगानी पड़ रही है। पर क्या करूँ, बड़ी समस्या है मेरे लिए। तो भाई वैसे तो जो है जाकी जैसी इच्छा होगी वो वैसे कमेंट करेगा, लेकिन सामने वाले की थोड़ी स्थिति समझ के तभी कमेंट करो, करो अच्छे कमेंट करो चाहे बुरे करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कमेंट करो करो। तो आज को ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, अपने जीवन की थोड़ी सी कथा बताई तुम लोगों ने, अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो रहने दिया।